So, hello guys, welcome back to my channel. तो Black Friday की सेल भाई Apple Store पे भी आ चुकी है जो कि सिर्फ 3 दिन रहने वाली है. तो चाहे आपको iPhone चाहिए हो, चाहे MacBook चाहिए हो, चाहे iPad चाहिए हो, चाहे AirPods चाहिए हो, हर एक चीज पे ऑफर है. तो चल के सारी डील्स चेक करते हैं. और साथ में मेरा खुद का भी मन है 15 सीरीज का नया iPhone लेके जाने का. और अगर आप भी नया iPhone लेना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि आपको प्लान के साथ लेना चाहिए या Apple Store से लेना चाहिए, तो वो सारी चीजें भी अपने डिस्कस करेंगे. तो चलो फिर पहले चल के जल्दी से डील्स चेक करते हैं. ये मैं 13 Pro Max से वीडियो बना रहा हूँ और मेरे पास 14 Pro भी है. ये रहा 14 Pro और ये रहा 15 Pro. फर्क देख लो कितने भाई. Apple अभी तक ये फोन बना रहा है ना, तो SE के ऊपर $35 का गिफ्ट कार्ड मिल रहा है. 13 के साथ ये $70 का गिफ्ट कार्ड दे रही है. अच्छा खासा आपको गिफ्ट कार्ड मिल रहा है. सभी आप खुद देख सकते हो 15 के अंदर डायनेमिक आइलैंड भी आ गया है. दिखने में भी बहुत सुंदर है, जो इसका ब्लैक कलर है. स्पेशली सी टाइप चार्जर आ जाएगा. साइड में आइकनिक जो बटन था जो मेरे को बहुत पसंद है. तो भाई ये मेरा 14 Pro है और ये 15 है. कलर बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, पतला भी है ये इससे. तो मेरा मन है बस ये दो फोन रखूं, 13 Pro Max को रिटायर कर दूं. तो अब मैं थोड़ा सा वेट करके और शायद 15 ना ऑर्डर करने वाला हूँ. तो भाई ये जो वॉच है ना, ये सबसे वैल्यू फॉर मनी है SE. अब इसके ऊपर भी बहुत अच्छा डिस्काउंट दे रहा है Apple. तो भाई ये जो वॉच है ये सिर्फ $330 की है और $70 का गिफ्ट कार्ड मिल रहा है आपको. सीरीज 9 है, उस पर भी $70 ऑफ है. तो गाइस ये जो iPad है ये $600 का है, इस पे भी $70 का. बट वहीं पे अगर अपने एयर की बात करें तो एयर है लगभग $800 का और इसके साथ गिफ्ट कार्ड भी आपको $100 का मिल रहा है. तो भाई ये वाले जो एयरपॉड्स है ना, थर्ड जनरेशन लेटेस्ट, ये वैसे 230 के हैं, तो इन पे $35 गिफ्ट कार्ड मिल रहा है. और ये सेकंड जनरेशन प्रो है शायद, इनके ऊपर $70 का ऑफ है. तो अपने चल के स्टूडेंट डिस्काउंट का पूछते हैं सबसे पहले इनसे, है ना, कि गिफ्ट कार्ड के साथ स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलता है या नहीं मिलता. We get both? No. Okay, so one thing at a time. तो भी जस्ट अभी अपना ने क्लियर कर लिया कि अगर आप गिफ्ट कार्ड ले रहे हो ना, तो साथ में स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं ले सकते. वन थिंग एट अ टाइम. अरे PS5 का कंट्रोलर भी बेचते हैं क्या ये? मेरे को लगता है थोड़े टाइम में PS5 भी बेचने लग जाएंगे. PS5 लेने का मन तो है भाई, ले लें फिर स्लिम ले चलते हैं. एप्पल ब्लॉग का स्टेयरिंग अपने बेस्ट बाय की तरफ मोड़ देते हैं. बताओ, टाइटल ही चेंज करना है. तो सर ये जो मैकबुक है ना, ये है M1. कितने की है? $1300 की. इस पे लगभग $200 का गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं ये. तो $200 के गिफ्ट कार्ड और टैक्स वैक्स डाल के ना, अगर अपने इंडियन करेंसी में बात करें, ये अभी भी 75,000 की है. आए को 3 साल हो गए. सो मैं इतना खुश हूँ ना, एप्पल अपनी वैल्यू रिटेन करके रखता है. मेरे को 3 साल हो गए मैकबुक ली को, बट अभी भी मेरे वाली मैकबुक ₹75,000 की आ रही है. और मैं इंडिया से लगभग 90,000-92,000 के अराउंड लेके आया था. और यहीं पे अगर सैमसंग वगैरह कुछ होती तो अभी उससे जब आप इस पे आओगे ना, एक तो आपके ये जो दोनों USB पोर्ट है ना, ये क्लियर हो जाएंगे. दैट मीन्स आपके पास तीसरा पोर्ट आ जाएगा चार्जिंग का. आप ये दोनों पोर्ट यूज़ कर सकते हो. और ये चार्जर भी आया था, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी है ये चीज़. अगर आपके वायर कहीं अटक जाए तो इट्स सेफ. और दूसरा, इसमें ये कलर बहुत सुंदर निकाला है. और इस पे गिफ्ट कार्ड दे रहे हैं $245 का. तो ये उससे $150 महंगी है. ये लगभग $1450 की है. तो वो आप हिसाब किताब लगा देना. फिर आ जाती है मैकबुक एयर 15 इंच. ये भी बहुत सही चीज़ दे दी इन्होंने. साइज का फर्क देख लो तो ये है $1750 की. और इस पे जो गिफ्ट कार्ड है वो भी मिल रहा है $280 का. और उसके बाद भाई ये आगे प्रो सीरीज है. और मैं सच्ची बताऊँ, मैं दिखाना भी नहीं चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी है वो. और जितने भी हैवी काम है ना, सच्ची बताऊँ तो सारे एयर पे भी हो जाते हैं. उनके लिए तो आपको बहुत अनदर लेवल पे जाके हैवी काम करना पड़ता है. फिर आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है. और हम अभी इतने हैवी ड्राइवर हुए नहीं है. चलो फिर भी प्राइसेस वगैरह दिखाई देते हैं, लोग नाराज हो जाएंगे. तो मैकबुक प्रो 14 इंच स्टार्ट हो रही है 2100 से. और वहीं पे अगर अपने 16 इंच की बात करें तो $3300. अब आप खुद ही समझ के होंगे कि मैं क्यों नहीं दिखाना चाह रहा था. इसमें तो दो आ जाएंगे भाई. हाँ, वो दो आ जाएंगे. तो भाई ने अभी 15 प्रो लिया था, $1800 लगाए थे इसको. ये 256 GB वाला वेरियंट है, नेचुरल टाइटेनियम. सर मैचिंग ही जैकेट पहन के घूम रहे हो. एक और डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ इन दोनों फोनों का. हैवी तो है ही पुराने मॉडल, बट इनके जो एजेस है ना, ये राउंड कर दिए इन्होंने. अब ये तीखा तीखा सा फील होता है, मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है. बट लोग कहते हैं कि राउंड से ना अच्छी बैटरी. तो भाई एक मन की बात और बताता हूँ आपको. अभी जो मैं मैकबुक चला रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है वो ये पिंक सा गोल्डन सा कलर है, पर मेरे पास अभी ये जो फ़ोन है ना ब्लैक सा, ये भी कितना सुंदर है. और इसके साथ में ये नई मैकबुक कितनी सुंदर लगेगी, आप खुद बताओ. अब लेने का तो बहुत मन कर रहा है, पर आपको क्या बताएं, अब दुख दर्द और पीड़ा. सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि आपको फ़ोन एप्पल स्टोर से लेना चाहिए या फिर प्लान के साथ लेना चाहिए. सो भाई एप्पल स्टोर पे अगर आप फ़ोन लेते हो, फॉर एग्जांपल 15 लिया मैंने, तो आफ्टर टैक्सेस मेरे को लगभग $1270 के अराउंड पड़ने वाला है वो. क्योंकि लेटेस्ट मॉडल के ऊपर कोई भी गिफ्ट कार्ड नहीं दे रहे ये लोग. तो सोचो मैंने कैश फोन ले लिया और मैंने $40 का कोई प्लान ले रखा है, तो लगभग मैं 2 साल के अंदर प्लान के अंदर $960 और फ़ोन मेरा $1270 का. तो इसको जब सम अप करोगे तो मेरे $2100 से $2200 लगे लगभग 2 साल में. बट अगर आप कोई
प्लान के साथ फोन ले रहे हो, आप उसकी एक्चुअल कॉस्ट देखो, ये मत देखो कि महीने के कितने दे रही है, ये देखो कि आपके प्लान की एक्टिवेशन फी कितनी है, आपके महीने के पैसे कितने जाने वाले हैं, और कहीं पे लास्ट में आपको कुछ पैसे तो नहीं देने। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप $100 दे रहे हो प्लान के साथ तीन के, तो दो साल के अंदर लगभग आप $2400 प्लान के साथ ही दे दोगे। उसके अलावा जो आपको स्टार्टिंग में टैक्सेस या फिर एक्टिवेशन फी देनी है $200, वो अलग, और लास्ट पे जो $400 से $500 है वो अलग। तो सारी चीजें जब कि आप एडअप करोगे ना, तो लगभग $3,000 से $3,200 बन जाएंगे आपके। तो अब आप एक्चुअल में कंपैरिजन करके देख सकते हो कि कैश डील में आपके $2,000 से $2,200 में काम चल रहे हैं, बट अगर आप प्लान के साथ जा रहे हो जो आपको चीप लग रहा है, उसमें आप एक्चुअल में $3,200 दे रहे हो। बट ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आप दोनों चीजें कंपेयर करके देखो। कोई भी फोन ले रहे हो एक्स वाई जेड, चाहे सैमसंग का या एप्पल का, हमेशा ये नहीं होता कि आप कैश के साथ फोन लेते हो वो सही होता है, कभी कभी हो सकता है प्लान के साथ आपको अच्छे बेनिफिट्स मिल जाए। तो ये सारी चीजें भाई दिमाग में लेके चलोगे तो सही डिसीजन लोगे। तो भाई फोन नया लेने वाले हैं, बस एक लास्ट चीज मेरे को और क्लियर करनी थी, ये अपने सचिन भाई का 15 प्रो है। तो 15 के अंदर जब अपने चेक कर रहे हैं तो 0.5, 1x और 2x का ही ऑप्शन आ रहा है, 3x वाला ऑप्शन अपने पास नहीं आ रहा। और फ्रंट कैमरे की अगर अपने बात करें तो फ्रंट कैमरा ऑलमोस्ट सेम सही है, ये ब्राइटनेस कम है। तो मेरा खुद का पहले ये ओपिनियन था कि मैं प्रो सीरीज लूँ, क्योंकि उसमें कैमरा अच्छा है, जूम वगैरह अच्छा कर सकते हैं, बट जो मेरे ब्लॉग्स है वो बहुत कोई मैं एक्शन सीक्वेंस शूट नहीं करता कि भाई ऐसे बम बम फूट रहे हैं, गाड़ियां भाग रही हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्लॉग शूट करने होते हैं। तो जब सचिन भाई ने फोन ऑर्डर किया था, मैंने अपना 15 प्रो मैक्स ऑर्डर किया था, जिसे कि मैंने कैंसिल कर दिया था इसी रीजन से, क्योंकि वो फोन $2,000 का था, और 15 जो एंट्री लेवल फोन है ना, इस पर उसके अंदर भी इन्होंने डायनेमिक आइलैंड दे दिया, ओएलईडी डिस्प्ले है, सारा कुछ है, अच्छे इनके नए कैमरेज भी हैं, और पैसे भी लगभग आपके $700 बच रहे हैं। तो भाई पैसा बचाओ, जब अपने खुद घिस घिस के कमा रहे होते हैं ना, तब भाई $50 की वैल्यू समझ आ जाती है। जब तक जिद करके घर वालों से लेते थे ना, तब तो ये होता था भाई टॉप वेरियंट लेना है, हम छोटे वाला थोड़ा ना लेंगे। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग गाइस, 15 जो फोन है बहुत प्यारा है, छोटा सा है और बहुत ज्यादा हल्का भी है, तो ओवरऑल भाई मेरे तो मन को भा गया। सो गिफ्ट कार्ड वाला ये जो भी ऑफर प्लान चल रहा है, ये सिर्फ 3 दिन चलना है इनका। ब्लैक फ्राइडे के बाद जो नेक्स्ट मंडे आता है ना, उसे साइबर मंडे बोलते हैं, और उस दिन भी बहुत खतरनाक डील्स लगती है इलेक्ट्रॉनिक्स पे, तो मंडे को अपने वो भी कवर करेंगे। अब आपको कौन सा फोन पसंद आया है, या फिर आप कौन सा फोन लेने वाले हो, वो सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो ठीक है, फिर जाके अब हम जेबें हल्की करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। सदमा लगा थोड़ा सा पैसा।